वेलकम बैक टू पीएचपी क्लासेस क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 13 है। ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, fx is equal to cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 ये दे रखा है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, fx into fy equal to fx plus y प्रूफ करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान दो, अगर ये फंक्शन जो मैट्रिक्स है x की फॉर्म में है ना, तो मैं इसको y की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो जहां पे x है वहां पे y आ जाएगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए, समझ में आएगा। अब क्या करना है बच्चों, अब हम इसका LHS लेते हैं। LHS में क्या होगा, fx into fy मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन सिखा रखी है, अब उसको फिर से करते हैं। और जो RHS है fx plus y, तो उसका भी एक हम मैट्रिक्स बनाएंगे। वहां क्या होगा कि जहां पे x है वहां पे x plus y आ जाएगा, ठीक है। तो हम RHS बाद में ले लेंगे, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले बच्चों हम इनको पास पास ही लिख लेते हैं, क्योंकि वो रो और कॉलम देखने होते हैं, फिर कंफ्यूजन ना हो, बहुत ध्यान से इसको करना है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ध्यान देना होता है बस। सही, तो मल्टीप्लिकेशन के आपको रूल याद होंगे। अब देखो कैसे करते हैं, फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहां पोजीशन क्या है, 1 1, कई बार बता रखा है बच्चों। और एवरी एलिमेंट की मल्टीप्लाई होती है, बीच में साइन प्लस का आता है, ठीक है। कॉस एक्स की कॉस वाई से हो रही है, कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, सही। माइनस साइन एक्स की माइनस साइन वाई से जो होगी, माइनस साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा। ये बच्चों ब्रैकेट और बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है। जीरो की जीरो से होगी, जीरो आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट। अब ये पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ली जाएगी, सेकंड कॉलम लिया जाएगा। कॉस एक्स की माइनस साइन वाई से कर रहे हैं, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। माइनस साइन एक्स की कॉस वाई से कर रहे हैं, माइनस साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉस एक्स की जीरो से जीरो हो गया, माइनस साइन एक्स की जीरो से जीरो हो गया, जीरो की वन से जीरो हो गया, तो एलिमेंट क्या आ गया, जीरो, सही। अब ये पोजीशन क्या बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम लेंगे, साइन एक्स की कॉस वाई से, कॉस एक्स की साइन वाई से, सही। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन एक्स की साइन वाई से, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉस एक्स की कॉस वाई से, जीरो जीरो, ठीक है, जीरो वन जीरो, ये यहां पे, और हाँ ठीक। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, अब सेकंड रो थर्ड कॉलम कर रहे हैं, साइन एक्स की जीरो जीरो, कॉस एक्स जीरो जीरो, जीरो वन जीरो। लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जीरो इंटू कॉस वाई जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू साइन वाई जीरो हो जाएगा, वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, वन इंटू जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। लास्ट जीरो 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 वन वन। तो ये बच्चों आया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करने से ये मैट्रिक्स मिली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अभी आगे करते हैं, मैं एक काम करता हूं बच्चों, ये ऊपर जो है इरेज कर दे रहा हूं, आप नोट कर ही लिया होगा। देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कॉस ए प्लस बी का, भाई फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे मुझे फिर, अगर जिन बच्चों को अगर याद नहीं है तो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन
साइन बी। ठीक है बच्चों, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस वो एक्स प्लस वाई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई बात नहीं। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बनेगा, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, वो जीरो है ही, इसको भी मिटा देते हैं, ये आपको कंफ्यूज करेगा, अभी इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, और ये देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है भी। सब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप इसकी जगह लिख दोगे साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये देखो बच्चों इसमें कॉस पहले लिख लोगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सेम फॉर्मूला किसका है, कॉस ए प्लस बी का। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस y। ठीक है, उधर जीरो है और ये जीरो जीरो वन, समझ में आया। अब अभी देखिए cos x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो गया बच्चों, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है साइन a प्लस b का। तो इसकी जगह आप लिख दोगे माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इधर जीरो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन। ये बच्चों एलएचएस आ गया आपका, ये क्या आ गया, एलएचएस आ गया। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है, आरएचएस। आरएचएस क्या था हमारा, वो भी देख लेते हैं। आरएचएस में था एफ एक्स प्लस वाई। अब बच्चों एफ एक्स प्लस वाई का क्या मतलब है, आपके पास एफ एक्स कितना था वो चीज देखो, तो वो टेबल बना देंगे मैट्रिक्स दोबारा, कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, यही था जो क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों एक बात बताओ, जब एफ एक्स की वैल्यू ये है तो एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, जहां पे एक्स आया है वहां पे एक्स प्लस वाई लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं देखो, तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन। क्या देख रहे हैं आप, दोनों जो है इक्वल आ गए, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, नोट करिए इसको। सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं बच्चों, ये 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में सो दैट प्रूफ करने के दो पार्ट है बच्चों इसके, मैं एक करा रहा हूं इसमें, एक आपको करना है क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखना, आप देख रहे हैं क्या इसमें इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 2 upon 3 1 4 और दिस मैट्रिक्स का सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं आएगा। तो बच्चों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन हम बार बार करते चले आ रहे हैं, वही चीज करनी है। ठीक है, करते हैं इसको। तो हम पहले एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं ना, जो बच्चे हैं वो जान ही गए कैसे करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 into 2, तो कितना होगा बच्चों, 7 लिख दो पहले एक बार ना, 5 into 2 बीच में प्लस माइनस 1 into 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 into 1 प्लस माइनस 1 into 4, समझ में आ रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 minus 1 3 5 1 minus 1 into 4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 into 2 प्लस 7 into 3। ठीक, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 into 1 प्लस 7 into 4। सही है, सॉल्व करते हैं, 5 2 10 3 5 4 12 21
28, 7, 1, 3 और 3, 34। तो बच्चों LHS आ रहा है 7, 33, 1 और 34, ठीक है। समझ में आया बच्चों, मल्टीप्लाई है। अब राइट हैंड साइड पे चल रहे हैं, इधर कर देते हैं, सेम प्रोसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 5 प्लस 1 × 6, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × -1 प्लस, ब्रैकेट लगा देता हूं, कंफ्यूज होते हो, 2 × -1, 1 × 7। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 5, 4 × 6, फिर 3 × -1 प्लस 4 × 7, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 10, 6 − 2 + 7, 15, 24 − 3, 28, 16, 5, 39, 25, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं बच्चों, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो क्या मिला हमें, एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। तो ये बच्चों पहला पार्ट प्रूव हो गया, इसका सेकंड पार्ट भी आप खुद करें।